इसका सबसे पहला मेडिटेट साधारण प्रश्न, 50 मीटर दूरी का एक बेसिक समझना है। अब सिंपल सी बात ये है कि मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो ये 3 घंटे में वो कुल कितनी दूरी को कवर करेगा? 90 किलोमीटर। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब होता है एक, एक घंटा में 30 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटा कितना जाएगा? तो जब मैंने आपसे पूछा, देखिए प्रश्न में हमने ये आपसे कहा कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से जाता है, अब बताइए वो 3 घंटे में कितनी लक्ष्य को पूरे करेगा, 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? तो आपने बताया 90 किलोमीटर, कैसे करेंगे? दूरी निकालना है, वैसे स्पीड कितनी है? 30 की। अब प्रति घंटा मतलब एक घंटा में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे में वो कुल कितनी दूरी कवर करेगा? 90 किलोमीटर। आप समझे कि नहीं? तो 3 घंटे में उसके द्वारा जो दूरी तय होगी वो किसके बराबर होगी? 90 किलोमीटर। तो ये दूरी हमने कैसे निकाला, ये हमने दूरी कैसे निकाला? सबसे पहले लेंगे उसकी स्पीड क्या, वो किस स्पीड से चला है, किस गति से चला है। तो उसकी सबसे पहले हमने चाल, यहाँ पे सबसे पहले उसकी स्पीड रखी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल का समय। ये आप मेन कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं, और इसके लिए सूत्र याद नहीं करना, व्यवहारिक समझ लेना कि 30 की स्पीड से चला है 3 घंटे में कितना जाएगा? 90 किलोमीटर। तो स्पीड है 30, समय है 3, और 30 का गुणा 3 में 90, तो कितनी दूरी तय करेगा वो? 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब मान लिया आपसे चाल निकालना हो, समय बिना पक्षांतर कर लेंगे दूरी बटे समय, मान लिया समय निकालना है, तब उस कंडीशन में चाल को इधर पक्षांतर, मतलब मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये, और इसी से बाकी अंदर भी आ जाएंगे, तो आप इसे नोट डाउन करें, तो प्रश्न की हम क्रम से बात करते रहे इसमें, तो आप इसे लिखिए और तुरंत इसके बाद में इसका प्रश्न समझ। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को छह घंटे में पूरे करता है। तो यदि वह अपने इस चाल की 2/3 चाल से चले तो उसी दूरी को वह कितने घंटे में पूरे करे? तो चलिए ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, तो पाठ को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने प्रश्न ये दिया कि एक व्यक्ति है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलता है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, उसे कितने देर में पूरे करता है? 6 घंटे में। तो यदि वह अपने इस चाल की 2/3 चाल से चलेगा, तो अब उस दूरी को वह कितने घंटे में पूरे करे? सबसे पहले ये पता कर ले कि वह निश्चित दूरी है कि नहीं। व्यक्ति जिसे 60 की स्पीड से 6 घंटे में पूरे करता है, पहले पता कर ले वह निश्चित दूरी कितना है। सबसे पहले ये पता करेंगे वह निश्चित दूरी क्या है, तो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर कौन सा हो जाएगा? 4 गुणा समय। तो बताइए 4 उसकी व्यक्ति की कितनी है? 60। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60 चलता है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा? 360 किलोमीटर। मतलब व्यक्ति जो जिस निश्चित दूरी को तय कर रहा है वो निश्चित दूरी कितना है? कितना समझ में आएगी? प्रश्न अब ये बोला गया है कि यदि वह अपने इस चाल की 2/3 चाल से, इस चाल की 2/3 चाल से, तो जो 60 की स्पीड से चल रहा था, यदि वह इस चाल की 2/3 चाल से, तो 2/3 चाल से चलने पर, 2/3 चाल से चलने पर उसकी नई चाल क्या हो जाएगी? देखिए नई चाल निकालना है,
दो तिहाई चाल से चले 20 चाल की 7 किलोमीटर प्रति। मैंने प्रश्न क्या किया, यदि वह अपने 20 चाल की जो 60 की स्पीड है वह 20 चाल की कितने चाल से चले, दो तिहाई, तो 60 का दो तिहाई कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। 3 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा और 20 गुना कितना 40 किलोमीटर प्रति। अच्छा, जब वह अपने 20 चाल की मतलब जो उसकी स्पीड 60 की थी, यदि वह उसकी दो तिहाई चाल से चलेगा तो उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी। तो जब नई चाल उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो अब कितना समय लेगा। मैंने पूछा तो बताइए उसी दूरी को, किस दूरी को 360, उसी दूरी को वह कितने घंटे में पूरे करेगा। इसलिए अब समय निकालना है, इसलिए हमें क्या निकालना है समय। बताइए समय बराबर कौन सा निकाल, समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितना है 360 और चाल कितना है 40, तो बताइए उसी दूरी को अब कितने घंटे में पूरे करेंगे। तो पहले कितना समय लेता 6 घंटे और अब कितना समय ले रहा है, उसी दूरी को तय करने में पहले से कितना अधिक समय लेगा 1 मिनट। ये पार्ट समझ में आया, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को आपका पूरी तरीके से परिचय करा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसे नोट करिएगा, फिर अगले प्रश्न को मैं शामिल करूंगा। 60 किलोमीटर चाल, मैंने वही लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 4 घंटे में पूरे करता है, वह अपनी चाल बिल्कुल सीधा बिल्कुल पिछले जैसा ही है, बस जहां पे पिछली बार गुना था वहां पे मैंने परसेंट की बात कर दी। सेंस देखिएगा, एक व्यक्ति जब 60 की स्पीड से चलता है तो किसी निश्चित दूरी को कितने घंटे में पूरे करता है 4। अच्छा, 60 की स्पीड से 4 घंटे में दूरी को पूरे करता है, पहले ये पता कर लीजिए वो दूरी कितनी, पहले वह दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, 4 गुणा समय, 4 उसकी कितनी है व्यक्ति की 60 की, और 60 की स्पीड से कितने समय में 4 घंटे कितना है, तो दूरी है 240 किलोमीटर। अब प्रश्न पहले ये देखिए हमसे पूछा क्या गया, प्रश्न ये पूछा गया है कि यदि वह अपनी चाल 25% बढ़ा दे, मतलब जितनी पहले चाल थी उससे कितने परसेंट इंक्रीज कर दे 25%, तो अब उसकी चाल परिवर्तित हो जाएगी कितनी, पहले जो चाल 60 की थी यदि 25% अपनी चाल बढ़ा देगा तो अब उसकी नई चाल क्या हो जाएगी, पहले ये पता कर लीजिए। अब नई चाल कितनी हो जाएगी, पुरानी चाल कितनी, पुरानी स्पीड कितनी थी 60, अब पुरानी स्पीड ये है 60 और चार तक 25% बढ़ा देगा तो 60 का कितने परसेंट हो जाएगा 125%। जैसे 10% बढ़ाएगा तो 100 पर 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110%, चार 20% बढ़ाएगा तो 120%, ये चार कितना बढ़ा रहा है 25%। तो पहले चार उसकी 60 की थी और जब चार 25% बढ़ा दिया तो 60 का कितने परसेंट हो गया, तो 25 बनने 125 और 25 चलते 4 से कितनी बार में 15 बार में, और 15 का अपना 5 में कितना गया। अब उसकी चाल जो पहले 60 की थी जब उसने चाल अपनी 25% बढ़ा दी तो अब नई चाल कितनी हो गई। अच्छा, अब चाल उसका बढ़ गया, तो जब चाल बढ़ गया तो समय क्या लगेगा, कब आप जानते हैं चाल और समय में उल्टा संबंध होता है विद्यमान का, मतलब चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। जब चाल 60 की थी तो समय कितना लगा 4 घंटे, अब चाल उसकी कितनी हो गई 75, क्योंकि उसने 25% चाल बढ़ा दी तो इसलिए अब कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसी दूरी को, किस दूरी को, उसी दूरी को कितने समय में पूरे करेगा। तो दूरी वही है कौन सी 240 और ये कितना है 75, इसी को हमें कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले देखते
15 से कैंसिल कर लीजिए, 15 का 15 9 15 छक्का, अब 15 से कितनी बार में 15 बचे 75, तो 5 या 15 एक से सदा यहाँ पे 3 से ही 1/5। अच्छा मानिए आप सब घंटे में इस तरीके से नहीं बल्कि घंटा और मिनट दिया है, तो 3 से ही 1/5 का मतलब समझ आए, 3 से ही 1/5 का मतलब ये हुआ 3 घंटे और प्लस 1/5 घंटे, ये 3 जो सही में लगा है इसका मतलब पूरा हुआ, 3 कंप्लीट है और 1/5 क्या है इनकम्प्लीट, तो 3 घंटे पूरे और 1/5 घंटे अधूरे, समझे कि नहीं, 3 से ही 1/5 का मतलब 3 घंटा पूरा है और 1/5 क्या है, और इस घंटे को मिनट में बदल दीजिए, तो 3 घंटे 1 घंटे में कितने मिनट, तो 1/5 में हो जाएगा इतने मिनट, तो 5 से कितनी बार में, तो 3 घंटे बार, आपका ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है 3 से ही 1/5 घंटे, और ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता है 3 घंटे बार, समझे कि नहीं, तो ये प्रश्न है, इसमें चार समय में क्या होता है कि लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा कर रखा जाता है साधारण प्रश्न में, और इस कॉन्सेप्ट को ताकि आप बेहतर समझ सके इसका मूल उद्देश्य है, हेडिंग हम अपनी इस बात करेंगे जैसे जैसे हेडिंग आप रखते जाएंगे आगे बिल्कुल सरल टाइप मिलेगा, ये मैं व्यवहारिक प्रश्न बता रहा हूँ ताकि थोड़ी चार समय के कॉन्सेप्ट को आप बेहतर समझते हैं ताकि आगे के प्रश्न में मिले। औसत चाल पर प्रश्न, ये चार समय का दूसरा और अगला टेक है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही चलेंगे, वैसे औसत का कॉन्सेप्ट होता है कुल चली गई, औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कुल चली गई पूरी बटे कुल लगा समय, वैसे औसत का ही सूत्र आप जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही होता है, तो यहाँ पे औसत जब चार हो गया तो औसत चार कैसे निकालेंगे, चार का सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय, तो औसत जब निकालेंगे तो कुल चली गई दूरी बटे कुल का समय, इसमें एक क्रम हमें नोट करना है, जैसे हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने यात्रा की, एक व्यक्ति अपने यात्रा की दो बराबर दूरियां क्रमशः एक्स और वाई चाल से चले तो एस आपसे पूछा जाए औसत चाल, तो एक व्यक्ति है जो अपने यात्रा की दो बराबर दूरियां, आपको समझेगा वैसे औसत चाल बराबर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय। अच्छा बड़े ध्यान से देखना, आसान क्रम है, बस इतना ध्यान देना अपनी यात्रा की दो बराबर दूरियां, बड़ा समझे, जैसे एक यात्रा है उसकी दो बराबर दूरी कौन सी, ए बी और बी सी, ये दोनों दूरी कैसी है बराबर, और व्यक्ति अपनी यात्रा की दो बराबर दूरियां किस चाल से चले, ये दोनों दूरियां कैसी हैं बराबर, और दो बराबर जैसे मतलब ये कहते हैं ए से बी तक हम आपसे कहते हैं 20 किलोमीटर, तो बी से सी तक भी कितना होगा, जैसे दोनों दूरियां बराबर है तो यदि मैं आपसे कहता हूँ ए से बी तक 20 किलोमीटर है तो बी से सी तक भी कितना होगा, और मान लिया हम आपसे कहते ए से बी तक हम लोग एक्स वाई एक्स चाल से चलते, किस चाल से चलता है, और बी से सी तक की दूरी को किस चाल से चलता है, मतलब अपनी यात्रा की जो दो बराबर दूरियां हैं उसे अलग अलग चाल से चलता है, जैसे ए बी दूरी बराबर है किस दूरी के, बी सी दूरी, यदि ए बी दूरी बी किलोमीटर का है तो बी सी भी क्या हो जाएगा ए, और दोनों को क्रमशः एक्स और वाई चाल से चलता है, मतलब इस दूरी को ए बी दूरी को किस स्पीड से चलता है और बी सी दूरी को किस, तो औसत चाल आपसे पूछा गया, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल चले गए दूरी बटे कुल लगा समय, तो कुल दूरी मतलब कहां से कहां था, ए से सी, कुल दूरी का मतलब कहां से कहां था, तो बताइएगा ए से सी तक कितनी दूरी, ए प्लस डी, कुल दूरी की बात करें
ए से सी तक तो कितना दूरी, ए से बी तक बी है और बी से सी तक भी कितनी दूरी है, तो ए से बी तक कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, एक समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ए से बी तक दूरी कितना है, डी, और चाल कितना है, तो ए से बी तक में कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ए से बी तक में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी में डी और चाल है कितना, और बी से सी तक में कितना समय लगेगा, बी से सी तक में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, बी, और चाल कितना है, तो डी बटे कितना। अब बताइए डी और डी जोड़ दे तो कितने डी हो जाएगा बटे, अच्छा इधर डी कॉमन है कि नहीं जोड़ दो, यदि बी कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा ए बटे एफ प्लस ए बटे, अब डी से डी क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब लस लीजिए तो एक्स और वाई का लस कितना आएगा, तो एफ से एफ से कैंसिल हो जाएगा, वाई का ब्राइट में कितना, और y का मतलब y पे कैंसिल हो जाएगा x का ब्राइट पे। अब ये x y पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो उस कंडीशन में औसत चाल कितना हो जाएगा, ये x y पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2xy upon x plus, ये सूत्र होगा प्रयोग पे, तब ये सूत्र आपका प्रयोग पे लाएंगे जब दो दूरियां बराबर हो और चाल अलग अलग, जैसे दो दूरियां क्या हो बराबर, यात्रा की दो बराबर दूरी हो और चाल अलग अलग हो, ये अक्सर वाई तब औसत चाल आपसे पूछा जाए, औसत चाल का सूत्र प्रयोग में लाएंगे टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। तब आपको प्रश्न को डिटेल में नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में केवल जवाब आपसे आपको मिल जाएगा, समझने के लिए आप इसे नोट करेंगे और इस पर अभी प्रश्न कराएंगे, पहले इसे नोट। अच्छा जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति है अपने यात्रा की, एक व्यक्ति अपने यात्रा की दो नहीं बल्कि हम आपसे कह दें तीन बराबर दूरियां, एक व्यक्ति अपने यात्रा की तीन बराबर दूरियां क्रमशः एक्स वाई और किस चाल से तय करें, तो बाकी इसी तरीके से लगाए, मैं अब पूरा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बाकी इसी तरीके से लगाएंगे तीन दूरियां बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा और इधर चाल कितना हो जाएगा, तो बाकी ऐसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी b plus b plus b, कुल दूरी कितना हो जाएगा d plus d plus, अब कुल लगा समय d बटे x plus d बटे y plus d बटे z, जब इससे निकालेंगे तो डायरेक्ट मैं वो कांसेप्ट लिख दे रहा हूं जी, तब औसत चाल जो होगा उसका सूत्र निकल कर आएगा b x y z अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, यह औसत चाल सूत्र प्रयोग में आएगा तब जब तीन दूरियां क्या हो बराबर हो लेकिन चाल क्या हो अलग अलग हो, एक्स वाई और जेड। मैं जब आपको अभी प्रश्न हल कराऊंगा तो मैं ये भी प्रश्न हल करा दूंगी दूरियां हर कंडीशन में क्या रहे अलग अलग और चाल भी क्या रहे अलग दूरी भी अलग हो और चाल भी अलग, तब ऐसे प्रश्न अक्सर करेंगे, पहले ही से लिख लीजिएगा बैक टू बैक इस और प्रश्न लिख देते हैं, बिल्कुल सीधा और सरल प्रश्न होगा। मैंने प्रश्न दिया एक छात्र अपने घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। प्रश्न में हमें लिखा कि एक छात्र है वो अपने घर से विद्यालय जाता है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर किस स्पीड से वापस आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल पूछना है। अच्छा बताइए मैंने आपको जो औसत चाल का कॉन्सेप्ट बताया 2xy upon x plus y, ये कब लगाएंगे, जब दो दूरियां क्या हो बराबर, तो यहां दूरियां बराबर है कि नहीं है, जैसे अपने घर से विद्यालय जब जाएगा तो
तो जितना घर से विद्यालय की दूरी होगी उतना ही विद्यालय से, जैसे घर से विद्यालय गया किसी स्पीड से गया 10 की चाल से, लेकिन ये चाल है यक्ष, ये चाल क्रॉस की है एक्स। तो घर से विद्यालय 10 की स्पीड से गया और उसके बाद विद्यालय से जब घर पे वापस आया तो अब उसकी चाल क्या है 15 किलोमीटर। बात समझ रहे कि नहीं? तो दूरियां दोनों बराबर है कि नहीं? निश्चित बराबर। जैसे ये घर हो गया और ये विद्यालय हो गया स्कूल, तो घर से विद्यालय की जितनी दूरी होगी उतने ही विद्यालय से, तो यहाँ पे मेरे प्रश्न में कहीं बराबर लिखा नहीं है, लेकिन सेंस बिल्कुल क्या है, तो 2xy, x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है और बटे x प्लस y कितना का समान है। तो आप इसे अभी वैसे लिखते 2 × 10 × 15, 10 और 15 जोड़े में कितना हो जाएगा 25, अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे 5 से 3 बार में 15 और 5 से 5 बार में, अब 5 से कितनी बार में, तो 2 × 4 × 4 किया तो उसकी औसत चाल कितने रही 12 किलोमीटर करीब। समझ में आ रही जी? जैसे घर से विद्यालय की जितनी दूरी होगी उतने ही विद्यालय से, लेकिन लड़का जैसे अपने घर से जब विद्यालय गया तो किस चाल से गया 10 की स्पीड से, लेकिन जब विद्यालय से घर आ रहा है तो उसी खुशी में तेज आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब औसत चाल क्या, जी छुट्टी हो गया, तो ये x चाल ना, ये अब बताइए यात्रा में दोनों दूरियां बराबर है कि बराबर है? जितना घर से विद्यालय उतना ही विद्यालय से, प्रश्न में मैंने बराबर नहीं लिखा है लेकिन प्रश्न के सेंस में बिल्कुल क्या है स्पष्ट। तो औसत चाल बराबर होता है 2xy/x+y, जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय की जाए तब। तो 2x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 15 और बटे x+y का मतलब 10 + 15। तो बस यही अंश मैंने जैसे का वैसा ही रखा और 10 और 15 जोड़ दिया कितना होगा 25, 5 से 3 बार 15, 5 से 25 और 5 से 2 बार 15, 2 × 4 किया। अच्छा मैंने प्रश्न में ये दिया है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने यात्रा की 3 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा है, कम से 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। अब बताइए जब 3 बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय करे अलग अलग पता है x y z से, तो औसत चाल का एक कांसेप्ट होगा कि नहीं? तो औसत चाल 12 को x मान लीजिए, 15 को y मान लीजिए और 20 को क्या मान लें, तो औसत चाल का सूत्र क्या कांसेप्ट क्या होगा, औसत चाल का अर्थ क्या होगा, इतना दे दो 3xyz, तो 3 का गुणा x, x कितना है 12, y कितना है और z कितना है, कितना समझ में आया, 3 का गुणा xyz में a मिला सूत्र, तो x 12 है, y 15 है और z कितना, 3 गुणा x 12 गुणा y 15 गुणा z कितना 20, यहां तक समझ में आया बटे x का गुणा y में, x का गुणा y में, तो x क्या है 12 और y क्या है, तो 12 का गुणा किसमें प्लस, अब y का गुणा किसके साथ कराएंगे z के साथ, y का गुणा किसके साथ, तो y का मान कितना है 15 और z का मान कितना है, अब प्लस आगे देखिए z का गुणा x में और z कितना है 20 और x कितना है। मैं एक यहां पर सुझाव दूंगा कि अभी अंश का गुणा नहीं करिए, क्योंकि एक बार गुणा कर लीजिए फिर काटिए तो दोहरा करना पड़ेगा, अंश को जैसे का वैसा ही छोड़ दीजिए, जैसे का वैसा मतलब 3 × 12 × 15 × कितना कटे 12 का गुणा 15 में कितना हो जाएगा 180, 12 का गुणा 15 में कितना, अब 15 का गुणा 20 में 300, 15 × 20 कितना हो गया, और 20 का गुणा 12 में कितना 240, कितना पास समझ में आया, 12 का गुणा 15 में गुणा किया 180 हो गया, प्लस
15 का बड़ा 20 में कितना हो गया 300 और प्लस 20 का बड़ा 12 में 240 कितना समझ में आते हैं अंश जैसे का वैसे ही रखिए 3 गुणा 12 गुणा 15 गुणा कितना 20 बटे इसे जोड़ेंगे 720 हो जाएगा जब इसे जोड़ेंगे तीनों को अब ये जीरो से ये वाला जीरो क्या करिए कैंसिल कर दीजिए समझ में आती अब देखिए कट कर लेना कितना आसान है 12 छक्के 12 का 12 और 12 छक्के बढ़कर अब 3 से 2 बार में 6 अब 2 से ये 2 काट दीजिए कितना आया 15 किलोमीटर तो कैंसिल होने का प्रोसेस समझ में आया जीरो से मैंने जीरो काट दिया 12 का 12 12 छक्के 72 अब 3 1 का 3 अब 3 गुना 6 और ये 2 से उधर किनारे वाला जो बचा था वो भी कर दिया तो कितना बचा केवल ये केवल 15 बचा ही है तो बात समझ में आया मैंने पीछे गुणा क्यों नहीं किया ताकि काटना आसान रहे नहीं तो एक बार गुणा करते तो फिर काट के समझ नहीं करेगा तो ये बिल्कुल आसान ना नोट करेगा फिर आगे देखना इस सवाल में यहाँ पर लिखता हूँ एक व्यक्ति अपने यात्रा की प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़े रहे अगले 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अंतिम 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरे करता है तो पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल हाँ बिल्कुल अलग अलग को करना है और कंडीशन हम देखते हैं यहां पर जैसे ये पहले एक डिस्टेंस को सो दिया व्यक्ति के यात्रा की तो हमने लिखा एक व्यक्ति अपने यात्रा की प्रथम 10 किलोमीटर ये मान लिया यात्रा का कहता है ये ए से बी तक है जो कि कितना है पहले 10 किलोमीटर ये यात्रा की कौन सी दूरी है प्रथम 10 किलोमीटर की दूरी और इस पहले 10 किलोमीटर की दूरी को वो किस चाल से तय करता है 5 किलोमीटर करेगा कितना समझ रहे हैं हमने दिया है पहले 10 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय करता है अगले 12 किलोमीटर जो पहले 10 के बाद के अगले 12 किलोमीटर की दूरी में वो किस स्पीड से तय करता है 4 तो अगले 12 मान लिया हम बी से सी तक ये कितने किलोमीटर है अगले 12 मतलब पहले 10 के बाद अगले 12 किलोमीटर इसे किस स्पीड से तय करता है 4 की स्पीड से और अंतिम 18 किलोमीटर की दूरी और लास्ट की जो 18 किलोमीटर की दूरी बचती है सी से बी तक उसे किस स्पीड से तय करता है 6 तो पूरे यात्रा में उसकी क्या बता ली है औसत चाल पूरे यात्रा में हमें क्या बता ली है अच्छा औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय तो कुल चली गई दूरी कितना है 10 प्लस 12 प्लस 18 तो यहां पर हमें लिख दिया 10 प्लस 12 प्लस अच्छा इस प्रश्न में क्या है दूरियां भी अलग अलग है और चाल भी अलग अलग तो कुल चली गई दूरी को समझ में आया 10 प्लस 12 प्लस और कुल लगा समय का मतलब ए से बी तक में लगा समय प्लस बी से सी तक में लगा समय और प्लस सी से ए तक में लगा समय तो ए से बी तक में कितना समय लगेगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो ए से बी तक की दूरी कितना है 10 अपनी सोचिए 10 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से आप कितने घंटे तय करेंगे 2 घंटे यदि 10 किलोमीटर की दूरी हो और 5 की स्पीड से चलना हो कितने घंटे में तो यहाँ पे 10/5 ये 10/5 का मतलब समझ में आता है समय बराबर होता है दूरी बटे अब बी से सी तक में कितना समय लगेगा तो बी से सी तक में समय कितना लगेगा दूरी कितना है 12 और चाल कितना है तो 12 बटे कितना हो जाएगा 4 और अंतिम 18 किलोमीटर में कितना समय लगेगा समय बराबर दूरी है 18 और चाल कितना है 6 तो
18 बजे कितना? 6 से 3 बार में, 4 से 3 बार में और 5 से कितनी बार में, कितना समय रहा है? अब गुणा देखिए, 10 प्लस 12 22 और 22 18 कितना हो गया? 40। और इसे जोड़ लीजिए 2 3 5 5 3 8 और 40 बटे 8 का मतलब कितना? तो पूरी यात्रा का उसकी औसत चाल कितना है? तो अलग अलग दूरी को चाल भी अलग अलग हो तो औसत चाल निकालेंगे के लिए कोई डाउट इसमें? औसत चाल बराबर बिल्कुल स्पष्ट है, कुल चली गई दूरी तीनों दूरियों को जोड़ लीजिएगा और बटे कुल लगा समय। समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल। समझे कि नहीं? तो ये आसान काम है, नोट करें फिर नीचे जाओ।